आज शुभ चिन्ह। नमस्ते, मैं जंपा चेतन हूँ। क्या आपने कभी लद्दाख, तिब्बत, सिक्किम या भूटान जैसे हिमालयी क्षेत्रों का दौरा किया है? यदि हाँ, तो क्या आपने उत्कीर्णन, पेंटिंग, नक्काशी, सजावट के सामान, तंबू, दरवाजे या खिड़की के पर्दे के रूप में इन चित्रों पर ध्यान दिया? और क्या आप इन प्यारी तस्वीरों का अर्थ या प्रतीक जानते हैं? वैसे भी यदि आप इन चित्रों के अर्थ या प्रतीकों से अवगत नहीं हैं, तो मैं इनमें से प्रत्येक को संक्षेप में समझाने जा रहा हूँ। शब्दों के सटीक अर्थ के लिए कृपया अंग्रेजी के लिए सीसी या विवरण बॉक्स पर क्लिक करें। एक, शंख। दाहिनी ओर मुड़ने वाला सफेद शंख, तिब्बती भाषा में हम इसे कहते हैं धुनकर। धर्म की सुंदर, गहरी, मधुर, अंतर्प्रवेशी और व्यापक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, जो शिष्यों को अज्ञानता की गहरी नींद से जगाता है और उन्हें अपने कल्याण के लिए अपना कल्याण करने के लिए प्रेरित करता है। अन्य, ऐसा माना जाता है कि शंख मूल सींग तुरही था। प्राचीन भारतीय पौराणिक महाकाव्यों में नायकों द्वारा शंख धारण करने का वर्णन मिलता है। भारतीय भगवान विष्णु को उनके मुख्य प्रतीकों में से एक शंख के रूप में भी वर्णित किया गया है। उनके खोल पर पांचजन्य नाम अंकित था, जिसका अर्थ है प्राणियों के पांच वर्गों पर नियंत्रण रखना। दो, अंतहीन गांठ। अंतहीन गांठ, तिब्बती भाषा में हम इसे कहते हैं पेलपेव। प्रेम के प्रतीक धुंधराले फंदे द्वारा दर्शाए गए शुभ चिन्ह को दर्शाती है। ये हर चीज की परम एकता का प्रतीक है। इसके अलावा ये ज्ञान और करुणा के अंतर संबंध, धार्मिक सिद्धांत और धर्म निरपेक्ष मामलों की परस्पर निर्भरता, ज्ञान और पद्धति के मिलन, शून्यता और प्रतीत्यस्मुत्पाद परस्पर निर्भर उत्पत्ति की अविभाज्यता और ज्ञान और करुणा के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मज्ञान नमखा देखे। ये गांठ जाल या वेब रूपक अंतर प्रवेश की बौद्ध शिक्षा को भी व्यक्त करता है। ये भगवान विष्णु का एक गुण भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उनकी छाती पर उत्कीर्ण है। ऐतिहासिक गौतम बुद्ध की छाती पर श्रीवत्स की इसी तरह की नक्काशी का उल्लेख बुद्ध की शारीरिक विशेषताओं की कुछ सूचियों में किया गया है। तीन, सुनहरी मछली का जोड़ा। दो सुनहरी मछलियां, तिब्बती भाषा में हम इसे कहते हैं सेरनिया। संसार में डूबने के खतरे के बिना निर्भयता की स्थिति में सभी संवेदनशील प्राणियों की शुभता का प्रतीक है। दो सुनहरी मछलियां, प्राण और काप, गंगा और यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं। दोनों मछलियां मूल रूप से भारत की दो मुख्य पवित्र नदियों गंगा और यमुना का प्रतिनिधित्व करती थी। ये नदियां चंद्र और सौर चैनलों से जुड़ी हैं, जो नासिका छिद्रों से उत्पन्न होती हैं और सांस या प्राण की वैकल्पिक लय को ले जाती हैं। इनका हिंदू, जैन और बौद्ध परंपराओं के साथ साथ ईसाई धर्म मछली का संकेत, 5000 का भोजन में भी धार्मिक महत्व है। बौद्ध धर्म में मछलियां खुशी का प्रतीक है, क्योंकि उन्हें पानी में घूमने की पूरी आजादी है। वे उर्वरता और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्सर काप के रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्हें पूर्व में उनकी सुंदर सुंदरता, आकार और जीवन काल के कारण पवित्र माना जाता है। चार, कमल। कमल का फूल, तिब्बती भाषा में हम इसे कहते हैं पेमा। शरीर, वाणी और मन की मौलिक पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है, जो आसक्ति और इच्छा के गंदे पानी के ऊपर तैरता है। कमल पवित्रता और त्याग का प्रतीक है। हालांकि कमल की जड़ें तालाब के नीचे कीचड़ में होती हैं, लेकिन इसका फूल पानी के ऊपर बेदाग रहता है। बौद्ध कमल के फूल में 4, 8, 16, 24, 32, 6400 या 1000 पंखुड़ियां होती हैं। वही आंकड़े शरीर के आंतरिक कमल यानी इसके ऊर्जा केंद्रों चक्र को संदर्भित कर सकते हैं। पांच, छत्र। रत्नजड़ित छत्र, तिब्बती भाषा में हम इसे कहते हैं रिनचेनदुक, जो बालदाचिन या छत्र के अनुष्ठानिक कार्य के समान है। हानिकारक शक्तियों और बीमारी से प्राणियों की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह आकाश की छत्र छाया या आकाश का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए अंतरिक्ष और ईथर तत्व के विस्तार और प्रकटीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये सहस्रार की व्यापकता, खुलासा और सुरक्षात्मक गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। सभी छत्र की शुभता के तहत धर्म की शरण लेते हैं। छह, फूलदान। खजाना फूलदान, तिब्बती भाषा में हम इसे कहते हैं तेरचेनपोई बम्पा। स्वास्थ्य, दीर्घायु, धन, समृद्धि, ज्ञान और अंतरिक्ष की घटना का प्रतिनिधित्व करता है। खजाना फूलदान या बर्तन बुद्ध की धर्म की शिक्षा देने की अनंत गुणवत्ता का प्रतीक है। चाहे उन्होंने कितनी भी शिक्षाएं साझा की, खजाना कभी कम नहीं हुआ। खजाने के फूलदान का प्रतीक चित्रण अक्सर कुंभ के समान होता है, जो थेरवाद बौद्ध धर्म में भिक्खु या भिक्खुनी को अनुमति दी गई कुछ संपत्तियों में से एक है। ज्ञान कलश या खजाना फूलदान का उपयोग कई सशक्तिकरण, वज्रयान और दीक्षाओं में किया जाता है। सात, धर्मचक्र। धर्मचक्र या कानून का पहिया, तिब्बती भाषा में हम इसे कहते हैं चोइकी खोरलो। गौतम बुद्ध और धर्म शिक्षण का प्रतिनिधित्व करता है।
ये प्रतीक आमतौर पर तिब्बती बौद्धों द्वारा उपयोग किया जाता है, जहां कभी कभी इसमें गैनकियल तिब्बती का आंतरिक पहिया भी शामिल होता है। नेपाली बौद्ध आठ शुभ प्रतीकों में कानून के पहिए का उपयोग नहीं करते हैं। धर्मचक्र के बजाय तांत्रिक अभिव्यक्तियों के प्रतीक के रूप में अष्टमंडल में से एक के रूप में फ्लाईविस्क का उपयोग किया जा सकता है। ये चांदी की छड़ी से जुड़ी आग की पूंछ से बना है और इसका उपयोग अनुष्ठान पाठ में और पूजा में देवताओं को पंखा करने के दौरान किया जाता है। प्रार्थना चक्र धर्म चक्र आवरण का रूप ले लेते हैं। 8. विजय पताका ध्वजा तिब्बती भाषा में हम इसे कहते हैं ग्यालत्सेन। बैनर ध्वज प्राचीन भारतीय युद्ध का एक सैन्य मानक था। ये प्रतीक चार मारों या आत्मज्ञान के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर बुद्ध की विजय को दर्शाता है। ये बाधाएं हैं अहंकार, इच्छा, अशांतकारी भावनाएं और मृत्यु का भय। तिब्बती परंपरा के भीतर अशुद्धता पर काबू पाने के लिए 11 विशिष्ट तरीकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विजय बैनर के 11 विभिन्न रूपों की एक सूची दी गई है। चार मारों पर बुद्ध की विजय के प्रतीक के रूप में ध्वज के डिजाइन के कई रूप तिब्बती मठों की छतों पर देखे जा सकते हैं। मठ और मंदिर की छतों के चारों कोनों पर बैनर लगाए जाते हैं। मठ की छतों पर लगाए गए बेलनाकार बैनर अक्सर पीटे हुए तांबे के बने होते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ सो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक यू।